रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्दे मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। मुस्लिम लीग नून के उद्देदारान और कारकुनान की जानिब से यौम तकबीर रवायती जशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर अमारात के मरहूम सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के दर्जात की बुलंदी और रूह के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ की गई। तकरीब का एहतमाम मुस्लिम लीग नून लेडीज विंग, मिनार्टी विंग और PMLN दुबई के साथियों की जानिब से किया गया। अमारात भर से तमाम यूनिट्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के अलावा कारकुनान की एक कसीर तादाद योम तकबीर बनाने के लिए हाल में मौजूद थी। मुकर्ररीन ने पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद करने और वतन अजीज़ को न्यूक्लियर पावर बनाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर और दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ज़बरदस्त अल्फाज में याद किया और मुल्क कौम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। तकरीब के मुंतजमीन में फरजाना कौसर, शहजाद भट्ट, सुहेल घुम्मन, जान कादर, राजा ज़हीर समलालवी और दीगर शामिल थे, जबकि मेहमानों में गुलाम मुश्ताक मुग़ल, अब्दुल मजीद मुग़ल, जमील बंगयाल, मिर्ज़ा ज़फ़र महमूद, राव गुलाम बास भट्टी, अज़र मलक, राव अकबर अली साकी, राजा खालिद, जाहिद अली शाह, राना यूसुफ, जावेद मलक, हाजी नवाज, फारूक बड़ाइच, हाजी यूनस गाजी व दीगर शामिल थे। सबसे पहले शुक्रिया आपका, और मैं पूरी कौम को 28 मई की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी दीदा दरेली के साथ इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 धमाके करके एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान यूए दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आप सब लोगों को, पाकिस्तानी बहन भाइयों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आज का दिन यौम तकबीर का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फख्र का एक पैगाम दिया हम सब लोगों को, एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और कौम को जो यहाँ पर है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में है, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जिन हमारे कायदे मोहतरम ने हिम्मत और हौसले से काम किया और उन्होंने इंडिया के मुकाबले में जो है वो एटमी धमाके किए और पाकिस्तानी कौम को पहले दर्जे पर लेकर आ गए। इसमें वो दिन है कि जिस तरह कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके करके एक तो इंडिया को मैसेज दिया है, दूसरा हमारे ना कि पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम का सर बुलंद किया है। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके, ये तजर्बे करके पाकिस्तान को बचाया। आज इसकी बदौलत जो दूसरे ममालक पाकिस्तान के दुश्मन ममालक पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारे कायद की बहुत बड़ी काबिल का दिन यौम तकबीर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा दिन है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं उनका एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। उन्होंने पाकिस्तान की कौम को फख्र का सर बुलंद किया और उन्होंने इंडिया के मुकाबले में 6 धमाके किए। 1998 को पाकिस्तान ने एडमिट प्रोग्राम अपने एडमिट धमाके किए थे और ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी तारीख को याद रखना चाहिए, हमें अपनी नस्लों तक इसको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वाहद इस्लामी मुल्क हैं हम जिनके पास ये ताकत है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इसके बाद कोई भी मैलियां पाकिस्तान की तरफ देख नहीं सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए यौम तकबीर एक तरीके से दिन नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है। ये पाकिस्तान का दिन है, जिस तरह यौम पाकिस्तान है इसी तरह यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह ये एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबले तस्खीर जो है दफाई कुव्वत बनाया है अक़वामे आलम में, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान को माशी इस भंवर में से भी निकालेगी।